अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर मुश्किल और मुसीबत से महफूज रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। तो इसे हम बनाएंगे घर की रखी हुई चंद चीज़ों के साथ ही, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। ये टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और खाते हुए आप अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतने ये लाजवाब बनते हैं। ब्रेड पोटैटो स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू आधा किलो और इनको कद्दूकस कर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज चॉप किया हुआ, एक टमाटर ऐड करेंगे, चार हरी मिर्च कटी करके डालेंगे, सब्ज़ धनिया 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, खुशक धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा 1/4 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, मोटी कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक चाहिएगा इसमें 1/2 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए हम एक घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबल स्पून मैदा। इसको टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी ही इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 2 चुटकी ही इसमें ऑरिगैनो शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आपने इस तरह से रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक इसे नहीं बनाना। अब ब्रेड के किनारे काट लेंगे, आप चाहें तो इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। अब सेंटर में जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो लगाएंगे, इसको अच्छे से फैला देंगे। अब दूसरा पीस जो है उसके ऊपर रखेंगे और इसको चाहे तो आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, मैंने ट्रायंगल शेप में इसको कटिंग की है। अब सैंडविच जो हमने बनाए हैं इनको इस घोल में डिप करके ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। आपने दरमियानी आंच पे इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी एहतियात के साथ अपने फ्राई करना है। इसको हमने गोल्डन होने तक पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो स्नैक्स हैं रेडी हैं, इनको इसके किनारे देख लें, अगर ज़रूरत हो तो उनको भी अच्छे से फ्राई कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो ब्रेड पोटैटो स्नैक्स हैं वो रेडी हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये है इसकी फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये जो स्नैक्स हैं रेडी हुए हैं और टेस्ट में इस कदर लाजवाब है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।